कार्यालय के पीएसएल में कार्यरत क्षेत्र के लखनपुर निवासी पुलिसकर्मी के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने की सूचना पर बीसीएमओ डॉक्टर अजय वालू के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मी को जिला चिकित्सालय में भेज दिया, जबकि पॉजिटिव पुलिसकर्मी के 6 परिजनों के सैंपल लेकर होम क्वारंटाइन किया गया। उधर जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोविड-19 पॉजिटिव पुलिसकर्मी के नियमों का क्षेत्र के 500 मीटर परिधि में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाद में डॉक्टर राहुल कौशिक के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने लखनपुर विद्यालय में समीपवर्ती कोरोना टाइन सेंटर में मौजूद करीब 61 संदिग्धों की जांच पड़ताल की। इस दौरान लखनपुर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अंकिता जैन एलटी, दीवान सिंह व अमन कुमावत मेल नर्स, मदन मोहन व सत्य प्रकाश एएनएम, सुनीता पटेल आदि मौजूद रहे। नटबई के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव मई में आपसी विवाद के दौरान मारपीट करने से युवक की मौत होने के मामले में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तारी आरोप को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को 2 दिन से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लखनपुर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आरोपी रमेश जाट पुत्र बंदई जाटों को जिला मुख्यालय स्थित बसंत विहार कॉलोनी से विरासत में लिया गया। बाद में पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 20 मई को आपसी विवाद के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। विवाद में मारपीट होने के चलते देशराज जाटव पुत्र धर्मी जाट गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में जयपुर एसएमएस चिकित्सालय में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक की पत्नी लक्ष्मी जाटव ने गिरफ्तारी आरोप सहित वीरेंद्र पुत्र बंदई जाटव, विजय सिंह पुत्र रमेश जाटव, गौरव पुत्र वीरेंद्र, केशव पर पत्नी वीरेंद्र व हेमलता पुत्री वीरेंद्र जाटव के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट कर हत्या करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया।